कैसे हो आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक है ना? प्रतिशत का आज छठा लेक्चर होने जा रहा है, और अभी तक अगर आपने पांच जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आज का भी जो टॉपिक है वह कल से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कल हम लोगों ने बात किया था परीक्षा में पास फेल या पसंद नापसंद से संबंधित। आज भी परीक्षा में पास और फेल से संबंधित ही टॉपिक है, लेकिन अंतर होगा दोनों कंसेप्ट में। पहले आप मुझे यह बताइए कि अगर किसी भी स्टूडेंट से, चाहे वह मैट्रिक का रिजल्ट उसका आया हो या इंटरमीडिएट का आया हो या ग्रेजुएशन का आया हो, जब उससे पूछा जाता है कि आपका नंबर कितना आया है, तो वह कितने तरीके से अपने नंबर को बता सकता है? दो तरीके से, या तो वह प्रतिशत में बोल सकता है और या तो वह अंक में बोल सकता है। या तो बोल सकता है कि मेरा 70% नंबर आया है, 60% आया है, 50% आया है, 55% आया है, कुछ इस प्रकार से बोल सकता है। या फिर वह अंक में बोल सकता है, 500 नंबर आया है, 600 नंबर आया है, 700 नंबर आया है, यानी जो भी नंबर हो रहा होगा। तो वह या तो अंक में बोलेगा और या तो प्रतिशत में बोलेगा। तो अपने रिजल्ट को बताने के लिए कोई भी विद्यार्थी जब अंक के बारे में बताए या प्रतिशत के बारे में बताए, तो उन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक और इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं क्लास को। रेडी ना? क्वेश्चन कोई भी बनाना हो उसके पहले कंसेप्ट तो जरूरी है ना। हम एक सिचुएशन आपको देते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो छात्र है और किसी एक परीक्षा में दोनों ने भाग लिया। अब तीन स्थिति हो सकती है। पहला स्थिति यह हो सकता है कि दोनों पास हो जाए, बहुत सुंदर स्थिति होती है। दूसरा यह होता है कि दोनों फेल हो जाए, चलेगा ये भी। और तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि एक पास हो जाए और एक फेल हो जाए। ये बड़ा बुरा वाला स्थिति होता है ना। एक मूवी का एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, थ्री इडियट्स मूवी आपने देखा होगा, जिसमें क्या डायलॉग था, अगर दोस्त फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बस मूवी का डायलॉग था। तो ये तीन स्थिति हो सकता है कि दोनों या तो पास हो जाए, दोनों या तो फेल हो जाए, या तो एक पास हो और एक फेल हो। कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन अब उनका नंबर तो कुछ ना कुछ आया होगा। और नंबर बताने के कितने मेथड होंगे? अभी हमने हमने बताया आपको कि या तो वह प्रतिशत में बता सकता है और या तो वह अंक में बता सकता है। अब देखो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने के लिए इस पूरे घटना को एक कंसेप्ट में ढाल सकते हैं। चलो बोर्ड पे आओ। आप देख रहे हो मैंने सिचुएशन यहां लिख रखा है, दो छात्र का प्रतिशत और अंक, और स्थिति तीन हो गया, जब दोनों पास हो जाए, जब दोनों फेल हो जाए, और जब एक पास हो और एक फेल हो। अब देखो, अब प्रतिशत तो दोनों का कुछ ना कुछ आया होगा। जो भी उनका प्रतिशत आएगा, प्रतिशत में हमेशा क्या करना होगा, अंतर करना होगा। स्थिति चाहे जो भी हो, प्रतिशत में हमेशा क्या होगा, अंतर होगा। समझ में आ रहा है? चाहे जो भी स्थिति हो, तीन ही तो स्थिति है, या तो दोनों पास होंगे, या तो दोनों फेल होंगे, या तो एक पास और एक फेल होगा। प्रतिशत का जो भी डाटा होगा, हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं अंक का। जब नेचर सेम हो, सेम नेचर होने का मतलब दोनों पास हो गए या दोनों फेल हो गए तो सेम नेचर बोलेंगे। अगर नेचर सेम हो तो यहां भी अंक का हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा। अभी तक तो याद करने में कोई मुश्किल नहीं आपको आएगी। अब एक बॉक्स यहां पर मैंने खाली छोड़ा है, वह बॉक्स कौन सा है, जब एक पास हो और एक फेल हो, यानी कि नेचर अब अलग अलग हो गया। वैसे स्थिति में जो अंक होगा दोनों का, उसको हमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन को हल करते समय। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है बाबू, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें। दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से
पास हो जाता है, 25 अंकों से ए पास हो जाता है, जबकि एक दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त करता है और 70 अंकों से पास हो जाता है, चलो दोनों पास हो गए, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? मैक्सिमम नंबर, अधिकतम अंक वही अंक होता है जितने का एग्जाम होता है। हमेशा याद रखना, अधिकतम अंक जो होता है वह 100% होता है। तो अभी यहां पे नेचर सेम है, दोनों पास है। अभी जो चार्ट मैंने आपको दिया था, स्क्रीनशॉट आपने लिया है, तो वहां पर आपको बतलाया गया कि प्रतिशत का तो वैसे हमेशा अंतर लेते हैं, और जब दोनों पास हो जाए, नेचर सेम हो, तो अंक का भी अंतर लेते हैं। 1% दिया हुआ है, 35%। अच्छा, 1% कितना है? 50%। 50 और 35 दोनों का अगर अंतर लोगे तो 15% के बराबर होगा। और अंक की बात करें तो यहां पे अंक है 25 और यहां पे अंक है 70। 70 और 25 का अगर अंतर लेते हो तो यह कितना होगा? 45। तो 15% का वैल्यू जो होगा वह 45 अंक के बराबर होगा, 45 अंक के बराबर होगा। अधिकतम अंक पूछा गया और वह हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। आप देखो, 15% का अगर वैल्यू 45 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? बस यही निकालना है। 15 में 3 का गुना करेंगे तब तो 45 होगा, तो 100 में भी 3 का गुना कर लेते हैं यानी 300, तो मैक्सिमम जो नंबर होगा, अधिकतम जो अंक होगा, वह कितना हो जाएगा? 300 होगा। काफी आसानी से मात्र 2 स्टेप में इस तरह के प्रश्न को हम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो बाबू। एक परीक्षा में एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो रहा है? ए फेल हो रहा है, बड़ा दुख का बात है। जबकि एक दूसरा छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है, ए भी फेल हो गया, लो जी, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? अधिकतम अंक हमने बताया था ना, हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100%। अब देखो, यहां भी नेचर सेम है, दोनों फेल हो रहे हैं, और जब दोनों फेल होंगे तो भी हमें अंक का अंतर लेना होगा, प्रतिशत का तो अंतर लेते ही हैं। प्रतिशत क्या दिया हुआ है? 25% है, और यहाँ पे कितना प्रतिशत है? तो 20% है। दोनों का अगर अंतर ले लेते हैं तो 5% होगा। अच्छा, अंक क्या बोला गया था? तो 35 अंक, और यहाँ पे कितना है? तो 45 अंक है। दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? सेम है, दोनों फेल हो रहे हैं। तो अब 35 और 45 का अंतर क्या होगा? तो 10 होगा, यानी 5% का वैल्यू 10 के बराबर होगा। अधिकतम अंक पूछा गया, वह तो 100% होता है ना, तो 100% का वैल्यू बताना है। देखो, 5 में 2 से गुना करोगे तो 10 होगा, तो 100 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 200। बना सकते हो? समझ में आ रहा है ना? अब इस क्वेश्चन को देखो बाबू। एक परीक्षा में एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से फेल हो जाता है, ए फेल हो गया, जबकि एक दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से पास कर जाता है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? अब यहां पे एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है, नेचर दोनों का अलग हो गया। प्रतिशत का हमेशा अंतर लेते हैं, मैंने चार्ट में आपको अभी बताया था। तो यहां पे 35% है और यहां पे क्या 40 है, तो 35 और 40 का अंतर क्या होगा? तो 5%। अब अंक की बात करें तो यहां पे 68 है, या 68 अंक से फेल हो रहा था, और यहां पे 22 है, 22 है, ए पास हो रहा था। जब नेचर अलग हो तो यहां पे लास्ट में चार्ट में आप देखो जोड़ना होगा, जोगफल लेना होगा, तो 22 और 68 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। तो 5% का वैल्यू क्या हुआ? 90 हुआ। अधिकतम अंक हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा? 18 से ना, तो 100 में भी 18 से हमें गुना करना पड़ेगा, और अगर 100 में 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना होगा? 1800। बना सकते हो ना?
तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब ऐसा करते हैं कि एग्जाम के पूछे हुए कुछ सवाल हल करते हैं, ठीक है। देखो बाबू, यह एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है क्वेश्चन है। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, अधिकतम अंक है। अब तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। देखो प्रतिशत का तो हमेशा अंतर लेते हैं, 30% और 40% है, तो प्रतिशत में अंतर लेंगे तो क्या होगा, 10%। अच्छा, एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, तो अंकों को जोड़ना होगा। 6 अंक से पास और 6 अंक से फेल जोड़ेंगे तो 12 होगा। अधिकतम अंक हमेशा 100% होता है, यानी 10% का वैल्यू अगर 12 है तो 100% का वैल्यू पूछा गया। आप 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 10 और 12 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 120 है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। देखो जो यह हम लोग अधिकतम अंक निकाल रहे हैं वो तो 100% होता है, और अभी तक जो कुछ भी क्वेश्चन हल किया गया उसमें 2 स्टूडेंट हैं और दोनों का आपस में तुलना हो रहा है। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि एक ही स्टूडेंट होता है और उसका अपने नंबर से उसके उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक समझते हो, उत्तीर्ण होने वाला अंक, उत्तीर्णांक बोले या उत्तीर्णांक प्रतिशत बोले, ये दोनों अलग केस हो जाता है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 30% आपको नंबर आने चाहिए पास होने के लिए और एग्जाम आपका हो रहा है 200 नंबर का। तो 200 नंबर का एग्जाम होगा तो अधिकतम अंक क्या बोलेंगे, 200। उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा तो 30%, 30% आएगा तभी आप पास कर पाओगे। लेकिन उत्तीर्णांक केवल अगर बोला जाए, उत्तीर्ण होने का अंक बोला जाए, तब 30 नंबर तो बोलेंगे नहीं, 200 का 30% बोलेंगे, और 200 का 30% क्या होगा, 60 होगा। तो अधिकतम अंक हमेशा 100% होता है और उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत ये दोनों अलग केस होते हैं। तो कभी कभी खुद एक स्टूडेंट से उसकी अंकों का तुलना करके भी क्वेश्चन आते हैं, उसका भी एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही आसानी से बनता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। अब देखो बाबू, पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर लाना जरूरी है, तो 40%। अब उसे को जो नंबर मिला वो तो 220 मिला, लेकिन क्या वह पास हो पाया, नहीं ना, वह अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। कितने नंबर से, तो 20 नंबर से, यानी और 20 नंबर होते तो वह पास होता, यानी कि 240 नंबर जो होगा वह 40% के बराबर होगा, ऐसा कहा जा सकता है। यानी कि 40% का जो वैल्यू होगा वह तो 240 नंबर के बराबर होगा। अभी अधिकतम अंक बोला गया और अधिकतम अंक हमेशा कितना प्रतिशत होता है, समझ रहे हो ना, 100%। तो आप यहां से हल करो, देखो 40 से हम इसको कितना बार में कैंसिल कर सकते हैं, 6 बार में, तो अभी 100 और 6, 100 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 600। और ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, कितना प्रतिशत नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए, तो 36%। अच्छा उसको नंबर मिला कितना, तो 113, तो क्या वह पास हो पाया, नहीं ना, वो तो वह फेल हो गया। अब 36% का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 113 और 85 को अगर ऐड कर लेते हैं, 198 के बराबर होगा। अधिकतम अंक बोला गया यानी कि 100% आपको बताना है, आप यहां से कैंसिल करो, देखो 5.5 बार में यह कटेगा कंप्लीट। अब 5.5 में 100 का मल्टीप्लाई करो तो होगा कितना, 550, यानी कि अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 550 हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को
36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक हैं। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 36% नंबर लाना तो आवश्यक है पास होने के लिए। अच्छा उसको नंबर आया कितना, तो 190, लेकिन वह असफल हो गया। कितने नंबर से असफल हो रहा है, तो 35 नंबर से, 35 अंक से। अब 36% का जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर होगा, 225। पूर्णांक बोला जाए या अधिकतम अंक बोला जाए 100% के बराबर होगा। चलो 36% का वैल्यू 225 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं, 9 से 4 बार में आप कैंसिल कर सकते हो, और देखो 9 से 25 बार में आप इधर कैंसिल कर सकते हो, 4 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं 25 बार में, 25 और 25 क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा में कैंसिल करते हैं, 25 और 25 का अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 625। ठीक है, देखो तो चौथा नंबर है, ऑप्शन में आपका आंसर दिया है ना। तो क्या अब आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे बन रहे हैं अथवा नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।